आफरीन तो वहाँ नीचे खेल रही है सीढ़ियों में, तो कह रहे जाओ आफरीन को लेके आओ। तो जब लेने गए तो आफरीन वहाँ मौजूद नहीं थी। मेरे बच्चे तो चले गए, वो वापस नहीं आ सकती। सब माँ को मैं बोलना चाहूँगी अपने बच्चों को ख्याल रखना चाहिए। 5 साल की बच्ची तो अपने घर के रास्ते से भी नावाकिफ होती है, उसे क्या मालूम कि कोई अजनबी उसे अपने साथ क्यों लेकर जाना चाहता है। वो तो यही समझी कि मेरे चाचा या मामू की तरह ये शख्स भी मुझे खाने पीने की कोई चीज देना चाहता है। मगर इस दौर में तो चाचा और मामू के रिश्ते भी मशकूक हो चुके हैं। अगर ऐसा ना होता तो मरी का रिहायशी एक बेरहम मामू अपने 3 कम उम्र भांजों के गले पर छुरी ना फेरता। कराची की 5 साला बच्ची भी किसी ऐसे ही शख्स की दरिंदगी का शिकार बन गई जो बच्चों के मासूम जज्बों से ना वाकिफ था। बच्चों के साथ पेश आने वाले ऐसे वाकयात कोई ये एक दिन का किस्सा नहीं। इस मुल्क में कोई बच्चों का गोश्त खा रहा है और कोई उनकी ज्यादती के बाद लाश के टुकड़े छुपाने की कोशिश में मसरूफ है। सब कुछ देखकर जहन में एक ही सवाल उठता है कि क्या हम इंसानों के दरमियान रह रहे हैं या ऐसे इंसानों में दरिंदों के दरमियान जो अपने ही बच्चों को चीर फाड़ कर खा जाते हैं। सच बात तो ये है कि दरिंदे भी अपने बच्चों के साथ ये सलूक नहीं करते। कराची किसी जमाने में रोशनियों का शहर था, मगर अब इसकी हर गली अंधेरों में डूबी रहती है और हर सड़क के मोड़ पर जरायम पेशा अफराद मासूम लड़कियों और कमसिन बच्चों को भेड़ियों की तरह दबोचने के लिए तैयार रहते हैं। अंधेरों, जरायम, गुर्बत और पसमानदगी में डूबी ऐसी ही एक बस्ती में 5 साल की बच्ची अपनी नानी से मिलने के लिए गई, लेकिन वहाँ एक इंसानुमा भेड़िया उसके जिस्म को नोचने के लिए छुपा बैठा था। भोली भाली बच्ची के साथ जो कुछ हुआ हम उसे बयान भी नहीं कर सकते, आप खुद ही देख लीजिए। 28 मार्च 2014 को कराची के इलाके तेसर टाउन सुजानी टाउन से 5 साला आफरीन अपनी माँ के साथ और अपनी बहन भाइयों के साथ अपनी नानी से मिलने के लिए भीमपुरा तो गई, लेकिन वो वहाँ से लौट कर पलट कर वापस नहीं आई वहाँ से, बल्कि 2 रोज बाद उसकी तशद्दुदज़दा लाश मिली और उसकी लाश देखकर देखने वाले भी काम कर रह गए। उसके साथ इंतहाई बर्बरियत से ज्यादती का निशाना बनाया गया था उसे और इसकी हड्डियां मुख्तलिफ जगहों से तोड़ दी गई थी। ऐसा क्या हुआ था उस फैमिली के साथ, ऐसा क्या हुआ उस बच्ची के साथ? कमसन आफरीन अपनी माँ और बहन भाइयों के साथ अपनी नानी के घर गई, लेकिन उसके घर वालों को पता नहीं था कि अब उसकी लाश ही उसके घर वापस आएगी। 28 मार्च के रोज सुजानी टाउन के रहायशी राशिद की बीवी और उसके 5 बच्चे कराची की कदीम आबादी भीमपुरा में वाकया बीबी बिल्डिंग में अपनी नानी से मिलने उसके घर गए, जहां खेलते हुए कमसन आफरीन लापता हो गई। उसे कई घंटों तक तलाश किया गया मगर उसका कुछ पता ना चल सका। खाना वाना खाया बच्चों ने, इसके बाद सामने घेर लिए सीढ़ी, उन्होंने बोला कि हम लोग यहाँ खेल रहे हैं। 4-5 बच्चे खेल रहे थे वहाँ पर, जो बेटी भी थी मेरी छोटी वाली आफरीन वो भी थी साथ। इसके बाद बच्चे लोग खेलते खेलते कभी ऊपर नीचे जा रहे, तो वो बच्चे घर आ गए, जो आफरीन जो आई नहीं थी। फिर उसकी वालदा ने कहा आफरीन कहाँ है, बच्चों ने कहा आफरीन तो वहाँ नीचे खेल रही है सीढ़ियों में, तो कह रहे जाओ आफरीन को लेके आओ। तो जब लेने गए तो आफरीन वहाँ मौजूद नहीं थी। जुम्मे को हम यहाँ से गए नानी के घर में, वहाँ पर खाना वाना खाया, चाय पिया और बच्चे खेल रहे थे सीढ़ियों पर, सब बच्चे वापसी आ गए और मेरे बेटा बहुत बोलता था कि आफरीन सीढ़ी में खेल रही है। मैंने बोला जाओ उसको बुला के लेकर आ, फिर उस हो गया बुलाने के लिए, बोला नहीं है सीढ़ी में। तो हम सब घर से ढूंढना शुरू कर दिया, सब जगह देखा, कहीं नहीं मिल रही। घर वाले थक हार कर थाने पहुंचे, जहां पुलिस ने रवायती बेहिसी दिखाते हुए सिर्फ आफरीन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करके आफरीन के घर वालों को वापस भेज दिया। आफरीन के वर्षा अपनी मदद आप के तहत उसकी तलाश में लगे रहे। उन्होंने भीमपुरा और इसके अतराफ के इलाकों में पोस्टर्स भी बनाकर लगाए, लेकिन आफरीन का कुछ पता ना चल सका। पूरी इलाके को हर गली गली हर चौराहे पे हमने ढूंढे, घर घर में दस्तक दिए, भाई ये बच्ची जो आफरीन है ये आपको अगर मिली है तो आप दे दे, ऐसे को हर जगह पे हमने गए। जाने के बाद हमें कहीं पे भी इसकी कोई वो नहीं मिली। ईडी वाले के पास गए, वहाँ गए थे ये अंसर बननी जो इनका बच्चे को जो आता वहाँ पर गए। फिर उसके बाद हमने क्या किया, सुबह इनके पोस्टर जो है ना, इनके बच्ची की तस्वीर है, तस्वीर को हमने क्या किया उसको छपाई करवा कर पोस्टर जगह जगह पर लगवाए,
लगवाने के बाद भी हमें कहीं से कुछ भी नहीं मिला। टावर पे, ईदियाले के पास, केमाड़ी पे, जितने जगह हैं उनको पास लेके गए तस्वीरें, भाई ये इस किस्म की कोई बच्ची आप लोगों के पास। रात ही रात, रात 3 बजे तक हम लोग घूमते रहे। पहले तो घूमे 1 घंटा, यहाँ से 11:30 बजे पहुँचे, वहाँ पे 12:30 बजे तक घूमते रहे। फिर पिपिया रोड पे गए थाने पे, वहाँ पे हमने दरख्वास्त दी, उनको एंट्री करवाया। हमने कहा सर हमारी बेटी लापता है, वो आज ही आए थे नानी के यहाँ और आज ही लापता हो गई, 6 बजे से लापता है। उन्होंने कहा ठीक है आप लिखवा दो, हम लिख लेते हैं, बाकी हम देख लेंगे। इसके बाद उन्होंने बोल दिया, हम लिखवा के आ गए। अगले दिन सुबह उठ के मैं गया सदर, वो मोबाइल के अंदर एक ही तस्वीर थी उसकी, वो मैंने निकलवाया। निकलवाने के बाद बैनरें बनवाए गार्डन पे, इधर उधर रेंचुलन हर जगह पे, चाकीपाड़ा वाकीपाड़ा सब जगह पे लगा। मैंने कहा शायद किसी के हाथ लग गया, कोई परेशान घूम और कोई उसको अता पता नहीं, और बैनर देख के शायद वो मिल जाए मेरी बच्ची मुझे। घर वाले अपनी तमाम तर कोशिश के बावजूद बच्ची की तलाश में नाकाम रहे, लेकिन पड़ोसियों ने उन्हें बताया कि आफरीन मिल गई है। वो मिल तो गई मगर किस हालत में। आखिरकार लापता आफरीन मिल ही गई, लेकिन वो मिली भी तो लाश की सूरत में, नानी के घर के फ्लैट के साथ वाकया एक सियासी जमात के दफ्तर की सीढ़ियों के नीचे आफरीन की लाश पड़ी हुई थी, जिसकी इत्तला पड़ोसियों ने पहुंचाई। 5 साला आफरीन की लाश कानूनी कार्रवाई के लिए सिविल अस्पताल पहुंचाई गई, जहां उसका पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि इस मासूम कली को कत्ल करने से कबल बर्बरियत और ज्यादती का निशाना बनाया गया था, और सफाक कातिलों ने तशद्दुद करके उसके जिस्म की हड्डियां तक तोड़ दी थी। आए थे बराबर वाले, उन्होंने कहा यार आपकी बच्ची जो गुम हुई कौन से कलर के कपड़े थे, तो घर वालों ने कहा लाल कलर की कमीज थी, ब्लैक कलर की ट्राउजर थी उसकी। तो कह रहे हो हमारे खिड़कियों में से उस पीपल्स पार्टी का जो दफ्तर है उसके नीचे तक नजर आ रहे हैं, ऐसे ही कपड़ा और ऐसे ही जो ना कोई बच्ची की तरह ही लग रहा है, शायद वही आपकी बच्ची भी हो सकती है वहाँ पे, आप लोग जाके देखो। तो नीचे आसपास जो ना दुकानदार थे, हमने उनसे बोला भाई चाबी है तो किसी के पास, दोनों ने कहा भाई हमारे पास किसी के पास चाबी नहीं है। 3-4 लड़के ऊपर से कूद के गए, तो जब नीचे उतरे सीढ़ियों के नीचे तो देखा बच्ची की लाश वहीं पड़ी हुई थी, और ऐसा बुरी तरह जख्मी, हालत टांगे हाथ पैर सब टूटे हुए थे। पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम करवाया उन्होंने, पोस्टमार्टम पर यह पता चला कि बच्ची को जो मारा गया उसके मुंह पे दबा के उसके दम निकाला गया, जब बच्ची मर गई इसके बाद भी उसके साथ इतना जुल्म हुआ, उसके हाथ पैर ये पूरा सर का हिस्सा तोड़ा गया फोड़ा गया उसके साथ, और ज्यादती भी उसके साथ हुआ, ज्यादती के कारण वो बच्ची मरी है। आफरीन 6 बहन भाइयों में 4th नंबर पर थी और घर भर की लाडली थी। उसके कत्ल से उसके घर वालों पर कयामत ही टूट पड़ी थी। खेलती थी सबके साथ, मस्जिद में मदरसे में पढ़ने जाती थी, आके सारा दिन गप्पे पढ़ती थी, पढ़ के खाना वाना खा के फिर मदरसे में चली जाती थी। बच्ची का वालिद राशिद इंतहाई गरीब आदमी है, जो एक दुकान पर काम करके अपने घर वालों का पेट पाल रहा है। अब वो कहां जाकर ढूंढे अपनी बेटी के कातिलों को, क्योंकि पुलिस तो सवाए टाल मटोल के कुछ कर ही नहीं रही। तो उन्होंने खुद दिखाया कि बेटा ये बच्ची को यहीं पे लेके आया था, ये पैरों के निशान है, उस बच्ची को जहां लिटाया गया था उसके मिट्टियों के उधर हाथ पैर के भी निशान थे। तो उन्होंने बस यही किया, इसके बाद ऊपर गया, सबसे ऊपर टॉप फ्लोर पे बिल्कुल एंड पे गया, वहाँ से चौकीदार कोई बिलोच था उनको उठाया, उनको उठाने के बाद उनको ले गए अपने साथ तफ्तीश के लिए कि भाई हम इनको लेके जा रहे हैं, इनसे भी सवाल पूछेंगे कि क्या हुआ था उस दिन, ये चौकीदार कहा था। मैंने उनको कहा था भाई आप ये दोनों चौकीदार का और निकलवाओ, मोबाइल डेटा निकलवाओ, जगह के लोकेशन निकलवाओ कि 28 तारीख से 30 तारीख तक इन लोग कहाँ थे और क्या कर रहे थे, फिर आपको पता लगेगा। क्योंकि बिल्डिंग के अंदर आप खुद कह रहे हो कि बच्ची बिल्डिंग के अंदर ही 7वें फ्लोर पर आई है, तो ये काम भी इस बिल्डिंग पे ही हुआ है। क्या हुआ चौकीदार को, उन्होंने दूसरे चौकीदार था उनको बयान व्यान लेके उनको छोड़ दिया, और बाकी एक चौकीदार है किसको जमाल खान चौकीदार था उनको भी छोड़ दिया, 2 दिन हुआ है। क्या कर सकते हैं हम लोग, गरीब लोग हैं, हमारे पास क्या है, हम लोग रोज कमाते। थाना अफसर बता रहे, अच्छे से तफ्तीश अफसर बता रहा, बोल रहा है आप ये बताओ ये छोड़ो जाओ जो चौकीदार है इससे आपसे कोई वास्ता नहीं है, आप बताओ ये पीपल्स पार्टी का जो दफ्तर है इसकी चाबी किसके पास है। हम बता रहे हम कहाँ से बता सकते हैं इसकी चाबी किसके पास है, आप बता सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, हम अगर पूछने जाएंगे तो हमें बताएंगे भी नहीं है। रोज कमाते, रोज खाने वाले, हमारे अंदर इतने हौसला नहीं है, हमारे अंदर इतनी टॉपिक नहीं है कि हम लोग कोई किसी से लड़े या कहीं जाके किसी से कोई बात करें या पुलिस वाले को कोई हम उनके साथ कोई बयानबाजी करें। फिलहाल हम मीडिया से यही गुजारिश करते हैं कि हमारी बच्ची को इंसाफ दिलाया जाए। बच्ची के कातिल कौन थे,
क्या वो पकड़े गए और अगर नहीं पकड़े गए तो इसका जिम्मेदार कौन है? आफरीन को ज्यादती का निशाना बनाए जाने के बाद कत्ल करने की एफआईआर ईदगाह थाने में दर्ज की गई है, मगर कई रोज गुजर जाने के बावजूद पुलिस सफाक कातिलों तक नहीं पहुंच सकी। आफरीन के लवाइकीन ने कातिलों की गिरफ्तारी और उन्हें करार वाकई सजा देने की अपील की है। इंसाफ मिला जाए हमें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हम ये इंसाफ चाहते हैं, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से, कि हमें इंसाफ दिया जाए और जो इस बेगुनाह लोग ये बच्चियों के साथ जो ऐसा तशद्दुद ऐसा जुल्म करते हैं, इनके कातिलों को सरेआम रोड पे लेके आना चाहिए इनको। वो बहुत अच्छी थी, हम सबके साथ खेलती थी और हम हाँ बहुत याद आती, बहुत याद आती है। बस उनको मिलके सज़ा देना चाहिए उन लोग को। और मैं कहना चाहूँगी मेरे बच्चे के साथ जो हुआ है वो किसी की माँ के बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। मेरी बच्ची तो चली गई, वो वापस नहीं आ सकती। सब माँ को मैं बोलना चाहूँगी अपने बच्चों को ख्याल रखना चाहिए। 5 साल आफरीन का एक बार और ज्यादती के बाद उसका कत्ल कराची या मुल्क में पेश आने वाला कोई पहला वाकया नहीं। ऐसे वाकयात में इजाफे की सिर्फ एक ही वजह सामने आती है कि पकड़े जाने वाले मुल्जमान आज तक कैफर किरदार तक नहीं पहुँच सके। कैमरामैन नदीमुर रहमान के साथ सालिक शाह, समा कराची। बच्चे, बूढ़े और ख्वातीन हर मौसम में काबिले एहतराम समझे जाते हैं, मगर हम जिस मौसम में रहते हैं वहाँ शायद इंसान नहीं कोई और ही मखलूक रहती है। क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। दुश्मनी और बदले की आग में जलता शख्स कुछ भी कर सकता है, मगर मासूम बच्चों को कत्ल नहीं कर सकता, इसलिए कि बच्चों को तो सबके दोस्त होते हैं और सबकी आंखों की ठंडक होते हैं। लेकिन हमारे मौशरे में ऐसे अफराद की कमी नहीं जो मासूम बच्चों को अपनी बर्बरियत का निशाना बनाते हुए ये भी नहीं सोचते कि उनके माँ बाप के दिल पर क्या गुजरेगी। एपेबाद के नवाही इलाके में एक सफाक शख्स ने 3 कमसिन बच्चों के गले काटकर उन्हें मरी के जंगल में फेंक दिया। वजूहात क्या थी और मुलजिम क्या चाहता था, आइए देखते हैं। एबटाबाद से 3 बच्चे अगवा, अगवाकार था मामू और बच्चों की गर्दनें काट दी गईं। 2 बच्चे जहां बहक, 1 की हालत तश्वीशनाक, मुलजिम की निशानदेही लेकिन अदम गिरफ्तारी, छापों का सिलसिला जारी। 14 फरवरी को थाना मरी के इलाके त्रेड के जंगल से 7 साला जैन शदीद जख्मी हालत में रींगता हुआ सड़क तक पहुंचा। बच्चे ने बताया कि इसके 2 भाई 11 साला महर अली और 4 साला कदीर अली की लाशें जंगल में पड़ी हैं। मैं जिस टाइम पे आया तो आगे गाड़ी नीचे से मैं बच्चा देखा तो बच्चे ने इशारा किया, नीचे से आ रहा तो ऊपर चाड़ी में सीटी करके ऐसे जैसे घसीटिया करी बच्चा चढ़ना ना, उन्हें दो बच्चे नालू करी थे, दोया बच्चों ना लू करी आपो चढ़िया वो सही की मैं मोटरसाइकिल खिलारिया मेरे पीछे जीपा वाले से वो जीपा वाले भी खली गए वो मैं चाया तो मैं उसकी चाही तो रोडे चढ़िया अपोर अपोर चाढ़ी तो फिर जनाब अली मैं उस बच्चे की जीपा चु पानी कटी तो पानी बाया 2 टकने इतनी देरी पुलिस वाले पहुंची गए उन्हें तकिया तो उन्हें आख्या जी पानी हो इसकी ना दियो उन्हें सके जिंदा इसकी अस्पताल पहुँचाने दियो। नदीम उनके मामू का नाम है, वालद का नाम ज़िया है, बच्चे का नाम जैन अली है जो जिंदा है, उसने खुद लिख के दिया है कि मुझे मामू ने साथ लाया और आते हुए ज़बा कर दिया गाड़ी में। जैन को तश्वीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया जबकि दोनों कमसिन भाइयों की लाशें भी इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल पहुँचाई गयी। बच्चे के इब्तदाई बयान के मुताबिक इसका मामू नदीम उन्हें सैर का बहाना बनाकर एबटाबाद से मरी लाया और कत्ल की वारदात के बाद
जंगल में फेंक गया। बच्चे मिले थे जिनमें से दो डेड बॉडीज थी और एक जो है ना जख्मी हालत में था, जिनको पिम्स हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। तो इब्तदाई मालूमात के मुताबिक हमें ये पता चल सका है कि इनका एक रिश्ते में मामूजात था, तो वो इनको घुमाने फिराने के बहाने से कहीं पे लेके आया है और देन उसके बाद जो है ना इसने जो बाद में गाड़ी बरामद हुई है और जिसमें जो आला कत्ल बरामद हुआ है वो खंजर है, तो जिससे यही जाहिर होता है कि उसी बंदे ने जो है ना इन बच्चों के गले काटे हैं और उसमें से दो बंदों की डेथ हो गई है बच्चों की और एक जो है जख्मी है और इनकी एज जो है ना तकरीबन 7 साल से लेकर 14 साल के दरमियान है। तो इब्तदाई जो मालूमात हैं उसमें हमें यही लग रहा है कोई ज़ाती रंजिश या ज़मीन का कोई इस तरह से तनाज़ा है जिसकी बुनियाद पर ये चीज़ हो सकती है। तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं, देख रहे हैं मुजरमान की गिरफ्तारी के लिए जो है ना हमने एक टीम भी रवाना कर दी। बच्चों के वालिद का कहना है कि इसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, वो किसी बेगुनाह को नामजद नहीं करेगा लेकिन जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। नहीं, जाती कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई दुश्मनी नहीं थी। बच्चों को लेकर गया सैल तफरी के लिए, तो आगे से ये मामला बन गया है। दूसरी जानब मरी पुलिस ने बच्चों के वालिद की मुदय्यत में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी, मगर मुद्दई मुकदमा ने किसी को नामजद नहीं किया। पुलिस के मुताबिक नदीम मकतूल बच्चों की खाला से शादी करना चाहता था, जिस पर बच्चों की वालदा ने रजामंदी जाहिर ना की और खाला की शादी नदीम के दूसरे भाई से कर दी, जिसका इसे रंज था और ये इंतकाम मासूम बच्चों से लिया गया। गाड़ी हमने कब्जे में ली, उसमें से डॉक्यूमेंट मिले हैं कोई क्रिमिनल लिटिगेशन के हवाले से वो है, तो उससे फिर हम ये डिड्यूस कर सकते हैं प्रिलिमिनरी अभी कि कोई जाती रंजिश या कोई जो है जायदाद का। थाना मरी की पुलिस ने मुमकिन कातिल की गाड़ी और आलाए कत्ल तहवील में ले लिया है। नदीम के पासपोर्ट पर सऊदी अरब का वीजा लगा हुआ था और 18 अप्रैल की सीट भी कंफर्म थी, लेकिन मुलजिम मुल्क के किसी एयरपोर्ट पर नहीं पहुंचा। एक हफ्ता गुजरने के बावजूद पुलिस सफाक मुलजिम को गिरफ्तार कर सकी, न ही तफ्तीश में कोई खास पेशरफ्त हुई। कैमरा टीम के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, इस्लामाबाद। अस्पतालों में जन्म लेने वाले नौमौलूद बच्चे हों, स्कूल में जाने वाले कमसिन बच्चे या गलियों में खेलने वाले गरीब बच्चे, हमारे मुल्क के किसी भी शहर में रहने वाले बच्चे महफूज नहीं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे राब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। वीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।